चले चलते हैं बंगाल। यहां पर टेंशन फिलहाल कम नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने तमाम बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। परसों हनुमान जयंती को लेकर भी तनाव की आशंका है। आज आसनसोल में मंत्री और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। इस तस्वीर में पुलिस वालों की भीड़ जिस शख्स को रोकने में जुटी है वो कोई और नहीं बल्कि भारत सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं। देखिए कैसे हेलमेट पहने बंगाल पुलिस के जवान स्थानीय सांसद और केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर आसनसोल की हैं। यहां दो दिन से माहौल खराब है। सैकड़ों लोग घर से दूर राहत शिविर में सुरक्षा के लिए शरण लिए हुए हैं। स्थानीय सांसद की हैसियत से बाबुल सुप्रियो जब उनसे मिलने पहुंचे तो ममता की पुलिस ने रोक दिया। चाहते तरफ से रैफ ने घेर लिया है, मुझे रैफ ने घेर लिया जैसे मैं यहाँ पे कोई क्रिमिनल हूँ। कितनी सारी औरतें यहाँ पे रो रही है, आप लीजिए उनका दे रही है, आप देखिए पुलिस को बोलिए खुद रीजन देने के लिए। आसनसोल में हजारों की संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है लेकिन डर की वजह से घर छोड़ रहे लोगों की तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में आज भी कैद हुई है। हिंसा प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित कैंप में पहुंचाया जा रहा है। महिलाएं काफी गुस्से में हैं। बंगाल में ऐसी हिंसा हुई है कि दो लोगों की जान जा चुकी है और कई पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। एक अफसर का तो हाथ भी बम से उड़ गया है। आसनसोल से प्रकाश सिन्हा की रिपोर्ट। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।